नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। मैं हूँ रत्नाकर, एक सनसनीखेज खबर के साथ में। हाँ, अब डरना जरूरी है, कोरोना से डरना अब बेहद जरूरी है। बढ़ते कोरोना के आंकड़े जहां नागपुर वासियों को डरा रहे हैं, वहीं चरमराती व्यवस्था कोरोना बाधितों को मरने पर मजबूर कर रही है। एक ऐसा है दर्दनाक वाक्य जो हम यहाँ बयान कर रहे हैं, वो है एलेक्सिस हॉस्पिटल का। और उस पर भी यह दर्दनाक इसलिए क्योंकि यहाँ एक मौत पुलिस कर्मी की हुई है, जो फिर से हॉस्पिटल प्रशासन के संवेदनहीनता का शिकार हुआ है। जी हाँ, नागपुर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत SI विजय मोतीलाल श्रीवास्तव, इन्हें 2 दिन पहले किसी चोट के कारण एलेक्सिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने तक तो इलाज होता रहा। मगर जैसे ही श्रीवास्तव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके तुरंत बाद इन्हें वहां पर बेड उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाकर टालने की कोशिश की गई और इसी जद्दोजहद में विजय श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई। नागपुर में नए आए CP अमितेश कुमार ने सख्ती से आदेश दिए थे कि किसी भी पुलिसकर्मी के इलाज के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन आज इस पुलिसकर्मी की मौत से जहां लचर व्यवस्था उजागर हुई है, वहीं एलेक्सिस प्रशासन की संवेदनहीनता वैद्यकीय प्रशासन पर एक गहरा सवाल खड़ा कर रही है। एक और जहां कोरोना का बढ़ता प्रकोप हमें डरा रहा है, वही सरकार प्रशासन और सभी की उदासीनता खतरा और बढ़ा रही है। कोविड योद्धा के रूप में मेडिकल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी चुस्ती से लड़ रहा है, और ऐसे में इस रूप में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य का जिम्मा भी अगर सही ढंग से उठाया नहीं गया तो आम जनता की तो बात ही क्या। नागपुर पुलिस में कार्यरत श्री विजय श्रीवास्तव की मौत किस तरह मेडिकल प्रशासन के संवेदनहीनता उजागर कर रही है, जानते हैं। पूरे नागपुर में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़े कहीं ना कहीं हमें सबको डरा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे बदलाव भी हुए हैं नागपुर में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बदलाव जो अहम बदलाव है वो ये था कि नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो बदल गए थे, और दूसरे जो हमारे नए कमिश्नर नागपुर को मिले, उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी उनके कर्मचारी के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको तुरंत मेडिकल एड मिलना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन पहले 24 घंटे के भीतर 4 पुलिस वाले जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले और कोरोना पॉजिटिव के चलते उनकी मौत हो गई। ये घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए अमितेश जो नए CP है नागपुर के, उन्होंने पूरी यंत्रणा को इसके लिए चुस्त चाक चौबंद रहने के लिए किया था। उसके बावजूद एक घटना जो इस वक्त जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वो एलेक्सिस हॉस्पिटल में इस वक्त हम खड़े हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की एक व्यक्ति है जिन्हें यहाँ एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद जब पहले प्राइमा फेसी तो वो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन उसके उपरांत जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तब उन्हें इस हॉस्पिटल से बोला गया कि अब हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव के लिए बेड नहीं है और इन्हें यहाँ से ले जाए। इस परेशानी के चलते आज उस शख्स की मौत हो चुकी है। क्या ये हालात हुए, किन हालातों में इस व्यक्ति की मौत हुई, क्या प्रशासन की तरफ से, क्या एलेक्सिस हॉस्पिटल की तरफ से क्या इनके साथ में बरता हुआ, इसकी बात करने के लिए हम सीधा चलते हैं, हम बात करते हैं ये पुलिस कर्मी के जो भाई साहब है उनसे बात करते हैं। सर, क्या वाकया हुआ जरा बताइए दर्शकों को। सर, हमारे बड़े भैया के पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जी, तो इस वजह से हमने उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके आए। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके आए तो डॉक्टरों ने उन्हें इमीडिएट एडमिट करने के लिए कहा। एडमिट होने के लिए जब हम गए तो हॉस्पिटल वालों ने हमें सुबह से लेकर शाम तक कल का दिन बिठाल के रखा, हमारे पेशेंट को एडमिट नहीं लिया, बेड अवेलेबल नहीं है ये बोल के। फिर हमने आज सवेरे फिर पेशेंट को वापस हॉस्पिटल लेके आए एडमिट करने के लिए, तो उन्होंने हमारे पेशेंट को चेक किया, सब कुछ किया और एडमिट करने के लिए कहा। एडमिट जब वो करने की बारी आई तो हम जब हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए इमरजेंसी वार्ड में गए तो वहाँ बेड अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, हम बेड अवेलेबल कर रहे हैं, हमें 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए, दूसरा पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, हम उसके जगह आपको बेड देंगे। 1.5 घंटे वो इंतज़ार में गए, उसके बाद इन्होंने हमारा कोविड टेस्ट किया हमारे पेशेंट का। जब कोविड टेस्ट किया पेशेंट का तो वो हमारा पेशेंट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद में इन्होंने हमें इमीडिएट कह दिया कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप दूसरे हॉस्पिटल लेके चले जाइए। मुझे सिर्फ यही जानना है कि अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था तो आपने हमें कल से लेके आज तक किस उम्मीद के ऊपर रुका के रखा था, और अगर आपने हमें कल से लेके आज तक उम्मीद पर रुका के रखा था तो फिर इमीडिएट आखिरी समय पे आप हमारे पेशेंट को, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में आ रहा है, तब हमारे पेशेंट को आप कैसे डिस्चार्ज दे सकते हैं। जब तक पेशेंट अच्छा था तब तक अगर आप बोलते कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाए तो हम ले जाते थे, समय भी मिल जाता था। लेकिन जब हमारा पेशेंट सीरियस होने पे आया, वो 5 घंटे, मुझे एक बात बताइए, कोई शुगर का पेशेंट कैसे बैठा रहेगा, अगर उसका BP हाई है तो वो 5-5 घंटे। ये पुलिस कर्मचारियों का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र सरकार
और पूरे महाराष्ट्र राज्य में ये जो कुछ भी कोविड और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल जो है ये लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, इसका जीता जागता नमूना हमने दो दिनों में अपने खुद महसूस किया है। हमारे घर का पुलिस कर्मचारी, हमारा भाई, हमारा परिवार का सदस्य जो मर गया, उसके लिए जिम्मेदार उसकी बीमारी कम और ये हॉस्पिटल ज़्यादा है। विजय मोतीलाल श्रीवास्तव जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस मुख्यालय में कर्मचारी के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी सर्विस के 30-35 सालों की सर्विस में ईमानदारी से ड्यूटी की, सब कुछ किया। आज उनको जब सरकार और डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत पड़ी तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी उनके मदद के लिए नहीं आया, हॉस्पिटल वालों ने उनकी जान ले ली। हम तो सीधा सीधा हॉस्पिटल वालों को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। पुलिस प्रशासन से आपने इस बारे में बात की? हमने सभी अधिकारियों से बात की है, उनके तरफ से भी उनने पूरा कॉपरेट किया है, सारे हॉस्पिटलों में बात की है, लेकिन उनका भी कहना यही था कि अभी बेड अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे एडमिट कर दीजिए। हमने खूब ट्राई, अमित श्रीवास्तव में उनका भाई, नागपुर पुलिस मुख्यालय में आपके भाई साहब कार्यरत जी। ये हमारे साथ में जो पुलिस कर्मी के भाई यहाँ पर थे, उन्होंने अपनी दास्तान यहाँ पर बताई है। नागपुर की जो स्थिति है इस कथन के बाद में पूरे आप पूरे नागपुर को पता चलनी चाहिए कि क्या हालात है। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से समितियां बनाई जा रही हैं, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि किस तरह से धारावी में या मुंबई के लोग यहां पर आके नागपुर की स्थिति को सुधारने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये सारे दावे जो है ये सिर्फ कागजों पर और मीटिंग रूम तक ही सीमित लगते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिकल प्रशासन की हम बात करें, हेल्थ प्रशासन की बात करें, तो किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर में प्रशासन की कोई पकड़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही। पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो नए एसीपी ने जहां पर दावा किया था कि आज के बाद में कोई भी पुलिस के कर्मचारियों के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा, उन्हें वक्त पर जो है मेडिकल एड मिलेगा, लेकिन आज का ये जो उदाहरण है, एक दूसरे दिन का ये जो उदाहरण, ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बताते जा रहा है। जब पुलिस प्रशासन में कार्यरत ऐसे कर्मचारी को इस तरह से दुनिया से विदा हो जाना पड़ता है, आम जनता के क्या हाल होंगे ये तो सिर्फ भगवान ही बता सकता है। तो इस वक्त ये जो नज़ारा है कि नागपुर के हालात जो है किसी के भी हाथ में नहीं है, बेकाबू होते हालात और ये बिगड़ती हुई कोरोना की स्थिति, अब नागपुर जो है बेकाबू होते जा रहा है, कोरोना से अब डरना लाजमी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में रत्नाकर की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज के लिए। ज्ञात हो कि हाल ही में सीपी का कार्यभार अमितेश कुमार इन्होंने संभाला और सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी पुलिसकर्मी अब इलाज से वंचित नहीं रहेगा और इसकी समुची व्यवस्था सभी जोन के डीसीपीज ने प्राथमिकता पर करनी चाहिए, ये भी ऐलान उन्होंने किया था। इसके बावजूद आज एक पुलिसकर्मी एक प्रख्यात हॉस्पिटल में बेड ना मिलने से दुनिया से विदा हो जाता है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को। आज नागपुर के हालात भगवान भरोसे दिख रहे हैं, जहां एक कोविड योद्धा को इस हाल में दुनिया से जाना पड़ रहा है, वहां आम जनता के हालातों पर प्रशासन क्या क्या व्यवस्था कर पाएगा या कुछ कर भी पाएगा या नहीं, ये एक सवाल है। सवाल ये भी है कि क्यों एक बड़े एलेक्सिस जैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई और उसे मरने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल तो कई है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज किसके पास इसका जवाब है। इस दर्दनाक हादसे को बयां करते वक्त हम आपके साथ में गुजारिश भी कर रहे हैं कि अब तो संभलना होगा, प्रशासन कब तक साथ देगा, किसके भरोसे पर रहना है, कुछ कदम हमें भी उठाने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में रत्नाकर की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज के लिए।